गुड मॉर्निंग बोलो। हाँ क्या हुआ? गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो पहले। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए। गर्मी लग रहा है, फैन ऑफ है, और आज इथन का रिजल्ट है। ये आपका रिजल्ट है ना? जा रहे हैं इथन? हाँ हाँ, मुझे तो नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करना। अरे पढ़ाई करने नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट लेने जा रहे हैं। अभी पढ़ाई कर लिया हो आप, उसका रिजल्ट लेने जा रहे हैं। ठीक है, चले रेडी हो। मैं आपके पापा को मार रहा हूँ। तो इथन के स्कूल से रिजल्ट वगैरह तो ले लिए हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर के आया है। प्रमोट भी हो गया है KG 1 के लिए। और फिलहाल अभी मॉल आए हैं इथन को थोड़ी सी कार राइड कराने के लिए। बहुत दिनों के बाद कार चला रहे हैं। खुद से चल रही है क्या? तो देख रही है यहाँ पे, लेने के लेने का तो हो रही है, बट देखते हैं बाद में। पहले बताओ दादी कहाँ गई? दादी घूम गई है। वहाँ क्या है? वहाँ पर झूला रहता है, ये देखो। आपको पता है वहाँ पे ये सब रहता है? हाँ। नहीं, पहले आपके लिए कपड़े लेंगे, नए कपड़े और शूज भी लेना है और खिलौने भी तो लेना है। वो नहीं, तो खिलौने नहीं, यहाँ नहीं, वो वहाँ से लेंगे जहाँ से कपड़े लेंगे। दादी कहाँ है पहले वो बताओ? दादी को घुमा दिए हो आप? दादी उधर नहीं है, ढूंढो दादी कहाँ है। दादी को घुमा दिया है लड़का। वो रही दादी, वो रही इथन। दादी कहाँ है बताओ? उधर है बेटा, वो वहाँ पर देखो। चलो खोलो भी, ये लो, खोल दिया। पापा ये यहाँ पर कैसे आया? चलो जोर से, अरे उल्टा मार रहे हो, सामने करो, सामने सामने। रुको यहाँ पे से जोर लगाओ, यहाँ पे जोर से दबा दबा, हैंडल से रखो। हाँ हाँ, जोर से जोर से जोर से जोर से, इसको पैडल मारना नहीं आता है। चलो सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो। हाँ, अरे ये चला लिया, सामने सामने पैडल मारो। सामने, इधर पीछे नहीं, इधर ना, ऐसे दम लगा। हाँ ऐसे दम लगा। हाँ सामने देखो, सामने। लेना है ये? नहीं जान पा रहा हूँ। अपना सामान खुद उठाओ। हाँ उसी का सामान लेके जाना, अच्छे से उठा के। चलो तुम्हें पकड़ दूँ, खुद ही लेके जाओगे? ठीक से पकड़ो, दादी को दिखाओ, जाओ इतना सारा लेके जा रहे हो वरना। मैं पकड़ दूँ? मैं ही पकड़ूंगा। दादी को दिखाओ, नहीं दिखाना। चलो चलो हो गया। क्या चाहिए आपको बताओ? नहीं बाबा। प्लीज पापा, कैसे करते हो करके दिखाओ। एवा एवा प्लीज पापा बोलो, फिर मैं कर दूंगा, फिर मैं दिला दूंगा। प्लीज पापा बोलो, अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से, एक बार एक बार प्लीज पापा। क्या कर रहे हो? छोड़ दो, मुझे जाने दो। दूर रहो, मैं गोली मार दूंगा। मैं गोली मार दूंगा। ढाई। तो भाई मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है और मैं थोड़ा सा ना सोने के लिए जा रहा हूँ, और डॉक्टर आने वाले हैं मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए। डॉक्टर साहब अच्छा आ गए। डॉक्टर साहब आ गए हैं हमारे इंजेक्शन लगाने के लिए। नहीं, आप डॉक्टर इथन हो, ठीक है? ओके।
सही लगा रहा है। आओ हो गया बाय। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। हाँ चलिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कहाँ पेट पे इंजेक्शन क्यों लगा रहे भाई? कुत्ता नहीं काटा है मेरे को। हाथ हाथ में लगाओ, हाथ में वहाँ नहीं लगाते बेटे, यहाँ लगाते हैं यहाँ पे। अरे बाप रे इंजेक्शन लगा रहे, पिचकारी मार रहा, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया मेरे को, बताओ ना। आप बीमार हो। मैं बीमार हूँ? क्या बीमार हूँ मैं? तो मुझे दवाई दे के जाओगे? दवाई दे दो यार मेरे को। सुनो ना, आप तो आपको पीठ पे लगा सकते हो। पीठ में लगा सकता हूँ क्या चीज को? तो ये डॉगी तो वैसे आप तो पीठ में लगा सकते हो। डॉगी का इसको पीठ में लगा लो, ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। आपको पैसे भी चाहिए क्या? आप इंजेक्शन लगाने के पैसे लेते हो? आप प्राइवेट डॉक्टर हो कि सरकारी डॉक्टर हो? डॉक्टर ही डॉक्टर हो, प्राइवेट डॉक्टर हो कि सरकारी डॉक्टर, गवर्नमेंट वाले? बताओ, सलीम मामा वाले डॉक्टर हो? तो सलीम मामा पैसा नहीं लेते, चलो जाओ। बाय। ठीक है डॉक्टर, और आना। ठीक है दादी को भी। अरे चाकू ये तो अभी आप तो पेट करता हूं। अरे मेरा पेट क्यों काट रहे हो? अरे पेट नहीं काटो, पेट नहीं काटना, ऑपरेशन नहीं चाहिए मेरे को अभी। चलो जाओ दादी को देखना। बाय डॉक्टर साहब, अपना ख्याल रखना डॉक्टर साहब। अयो मार के क्यों जा रहे हो? तो ये हमारा इलाज हो गया है और हम ठीक हो गए हैं। अब जाते हैं बर्तन धोने के लिए। गाइस आज का लोग यही रहता करते हैं, ठीक है? अगले ब्लॉग में मिलेंगे और अगले ब्लॉग में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाकी आज का लोग यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, ख्याल रखना अपना और खुश रहना और अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करना। अब धीरे धीरे ब्लॉग करने का मन बना रहा हूँ, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाइफ में लेकर के आ रहा हूँ। तो जो भी ब्लॉग करूँ अच्छे से करूँ, खुश होकर करूँ और एक्साइटमेंट दिखाऊँ, एनर्जी दिखाऊँ, तो आप लोगों को पसंद आएगा। तो कोशिश करेंगे, अच्छे से ब्लॉग करेंगे। ठीक है, बाय, ख्याल रखना अपना।